Hello student, how are you all? I hope you are staying fit and fine. Dear student, today we will read chapter number 14, importance of air and water. जो air है मतलब हवा और पानी की पानी का क्या महत्व है? Can you think you places where you find air and water? क्या तुम सोच सकते हैं कोई ऐसी जगह है जहां हवा और पानी का पता लगता है? पेस्ट पिक्चर ऑफ एनी टू टच प्लेस, मतलब एनी दो, कोई भी दो पिक्चर है वो स्थान की क्या नाम है, आपको पिक्चर यहाँ पे पेस्ट करने, जैसे वाटर है वाटर की पिक्चर, कोई भी आप पिक्चर यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, और जहाँ पे हवा की कोई ऐसी आपके पास पिक्चर है तो आप इसमें इस पोर्शन में आप उसे बॉक्स में आप उसे क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं. देन नेक्स्ट, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे. वी नीड बोथ एयर एंड वाटर फॉर मैनी थिंग्स. हम क्या करते हैं, हमें कई चीजों के लिए हवा और पानी की क्या होती है, दोनों की जरूरत होती है. जिसमें बहुत सी ऐसी चीजें जिसमें हमें किस हवा की भी जरूरत होती है और पानी की भी जरूरत होती है. लेट अस फाइंड आउट अबाउट देम. अब आइए क्या करते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में. अब हम इसके बारे में क्या जानेंगे. एट होम We get water from tap. कि हमारे घर में हमें नलों से पानी मिलता है. आप सबको पता है कि जो आपके घर है उसमें पानी आपके कहाँ से आता है, नलों से आता है. But where does this water come from? लेकिन यह पानी आता कहाँ से है? जब भी पानी आपको पता लग रहा है कि पानी टैप से आ रहा है, बट वो आता कहाँ से है, हमें टैप से पता लग रहा है बेसिकली, लेकिन वो आता कहीं और से है. ठीक है, तो इसके लिए हम इस जानते हैं आगे. द वॉटर इन आवर टैप कम फ्रॉम बिग थैंक्स. ठीक है, ये क्या है, टैंक्स मीन्स टंकी. तो हमें क्या आता है, बिग मतलब बड़ी जो हमारी टंकियां हैं वाटर की, वो टंकियों में से क्या आता है, पानी नलों में से